हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? और जो है ना, अभी मॉर्निंग का टाइम है तो गुड मॉर्निंग। और मैं यहाँ पर जो है ना, थोड़ी सी मैंने मूंग भिगोई थी, उसी में मैं थोड़े से जो है ना किशमिश डालकर दे रही हूँ। ये भीगे हुए हैं तो ये मैं आर्यन के लिए निकाल रही हूँ। और ये जो है ना बिस्किट लेकर आया, इसको चाय बिस्किट खानी थी तो मैंने कहा पहले तुम ये खा लो, उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। और वो जो है ना पहले बिल्कुल नहीं खाता था, लेकिन अब जो है ना कुछ दिन से खाने लगा है। तो मैं उसको इस तरीके से किशमिश डाल कर दे देती हूँ, क्योंकि खाली मूंग का टेस्ट उसको पसंद नहीं है। और ये मूंग जो मैंने ना कल ही रात भिगोई थी, तो फिर जो है ना अभी वो अच्छे से अंकुरित भी नहीं हुई थी। तो स्प्राउट जब बनते हैं तो स्प्राउट थोड़े मीठे मीठे लगते हैं, लेकिन जो है ना ये उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर उसको मैंने ना थोड़ी सी किशमिश डाल कर दी है। और यहाँ पर जो है ना उसके बाद मैंने चाय भी रख दी थी, और थोड़े से जो है ना यहाँ पर मैंने चिप्स भी फ्राई किए हैं। और यहाँ पर जो है ना चिप्स फ्राई करने के बाद ही मैं डाल रही थी थोड़ा सा मसाला, जैसे थोड़ा सा जो है ना नमक है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा जो चाट मसाला होता है, तो वो सब डालकर जो है ना मैं इसको थोड़ी मिक्स कर दूँगी। तो फिर जो है ना बच्चे चाय के साथ खा लेते हैं। और जो है ना चाय चिप्स बच्चों को देने के बाद मैं यहाँ फिर से आई थी किचन में, क्योंकि जो है ना आर्यन को दलिया खानी थी। उसे जो है ना दलिया इतना पसंद है कि अगर मैं उसको खाने में दोनों टाइम दलिया दे दूँ तो वो मना नहीं करेगा। और उसको जो है ना मीठा दलिया पसंद है, तो मैं यहाँ पर मीठा दलिया ही बना रही हूँ। थोड़ा सा मैंने देसी घी लिया था, तो उसी में जो है ना मैंने दलिया डाल दिया है। और इसको जो है ना धीमी आँच पर मैं कम से कम 5 से 7 मिनट तक भून लूँगी, और उससे भी ज़्यादा, क्योंकि जो है ना दलिये में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इसको जो है ना धीमी आँच पर भूनना होता है, एकदम जैसे हम सूजी भूनते हैं। और यहाँ पर जो है ना मैंने वीडियो की क्लिप थोड़ी सी फास्ट कर दी थी, क्योंकि ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जो है ना ये थोड़ा सा भून चुका था अच्छे से, इसका कलर चेंज हो गया है, तो मैं इसमें डाल दूँगी ये पानी जो मैंने रखा है यहाँ पर। और दलिया में ना थोड़ा पानी ज़्यादा जाता है, क्योंकि जो ना दलिया थोड़ा सा गलने में टाइम लेता है। और उसके बाद जो है ना मैं पानी डालकर थोड़ा सा इसको ढक दूँगी, इसमें जो है ना उबाल आ जाए, दलिया थोड़ा सा गल जाएगा। तो अभी जो है ना इसमें उबाल भी आ चुका था एक, और ये दलिया जो है ना गाढ़ा हो चुका है, गल गया है। तो अभी मैं डाल रही हूँ यहाँ पर दलिये में दूध, और दूध डालकर मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और इसको भी ना मैं प्लेट लगा कर ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए, 5-7 मिनट के लिए, दूध में भी उबाल आ जाए और दलिया जो है ना थोड़ा सा थिक हो जाए, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो मैंने ना थोड़ा सा और यहाँ पे दूध डाल दिया है, और ये जो है ना इस तरीके से दिख रहा था, थोड़ा सा पतला है, तो मैं ढक दूँगी इसको। और जो है ना अभी यहाँ पे उबाल आ चुका है दूध में, और दलिया जो है ना थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना जो है ना मुझे मीठा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने चीनी भी डाल दिया है, और अंदाज़ से मैंने डाली है चीनी, कोई मैंने नाप कर नहीं डाली थी। और साथ में जो है ना यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं थोड़े से काजू जो मैंने रखे थे 10-12 छोटे छोटे टुकड़े करके। और जो है ना ये दलिया तैयार हो चुका था, और इसको जो है ना मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि रखने पर जो है ना थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है जब ठंडा होता है तब। तो जो है ना बच्चों को दलिया भी दे दिया था, उसके बाद जो है ना किचन में बर्तन वगैरह पड़े थे वो मैंने धोए, और अभी मैं आ गई हूँ छत पर ऊपर वाले कमरे में। तो इस वाले कमरे की हालत जो है ना थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं 2-3 दिन के। और जब से मैंने ना चारपाई डाली है इस कमरे में, तो मेरी भी जो है ना आदत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, जैसे ही तार पे ऊपर कपड़े सूखते हैं और मैं उठा कर जो है ना इस कमरे में डाल देती हूँ, कि बाद में दही लगा लूँगी, बाद में इनको जो है ना नीचे ले जाकर मैं रख दूँगी अलमारी में। लेकिन फिर जो है ना ध्यान भी नहीं रहता, और थोड़ा सा ना आलस आ जाता है कि चलो कोई नहीं। और कभी कभी ना इसी चारपाई पर मैं फोल्ड करके रख देती हूँ, लेकिन जब बच्चे ढूंढने आते हैं
तो फिर वो ना एक कपड़े के चक्कर में सारे कपड़े जो है ना मिक्स कर देते हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा टाइम है तो मैं इनको पहले फोल्ड कर लूँ, थोड़ा सा इस कमरे को मैं साफ़ कर दूँ। तो मैंने ना यहाँ पे एक चारपाई डाल दी है, क्योंकि मुझे ना फोल्ड करके सबके कपड़े अलग अलग रखने हैं और नीचे ले जाकर जो है ना उनको अलमारी में भी रखना है। तो इस चारपाई पे ना थोड़ी सी धूल थी, क्योंकि ये खड़ी रहती है, बहुत कम यूज होता है इसका जो है ना, बहुत ही कम डाल के बैठते हैं बच्चे लोग बाहर शाम को छत पे, कभी कभी मन होता है तो डाल देते हैं। तो धूल थी इसलिए मैंने ना झाड़ दी, और उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर कपड़े फोल्ड करने शुरू कर दिए हैं। अभी जो है ना मैं इनको अलग अलग फोल्ड करूँगी, उसके बाद नीचे ले जाकर अलमारी में रखूँगी। लेकिन फिर बात वही है ना, अलमारी 3 से 4 दिन बाद फिर तहस नहस हो जाती है। हम कितना भी अलमारी को साफ़ करें, कपड़े सही से रखें, फोल्ड करके रखें, लेकिन फिर उसके बाद जो है ना जब बच्चे निकालते हैं ना, तो फिर वो अलमारी 3-4 दिन के बाद फिर बिल्कुल वैसे की वैसी हो जाती है, जैसे लगता नहीं हमने इसको साफ़ किया था। और गुस्सा भी आती है, लेकिन क्या करें, बच्चे एक कपड़ा खींचते हो ना सारे कपड़े नीचे गिरा देते हैं। और अभी जो है ना टाइम करीब 10:30 के आसपास था जब मैं ऊपर आई, तो जो है ना इनको घड़ी लगानी है, उसके बाद जो है ना जाके अलमारी में भी रखने हैं। तो फिर मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि अभी मैंने खाना नहीं बनाया था, सिर्फ चाय नाश्ता बनाया था। और उसके बाद जो है ना किचन के बर्तन वगैरह धोए, क्योंकि चाय नाश्ता बनाते हैं दलिया वगैरह तो फिर बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो सारे बर्तन वगैरह साफ़ किए। तो फिर जो है ना अभी खाना भी बनाना है। तो अभी जो है ना मैं साड़ी घरी कर रही हूँ, और मैंने ना डेली पहनने के लिए 2-3 साड़ियाँ निकाली थी कि मैं इनको जो है ना डेली पहनूँगी, क्योंकि जो है ना मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, घर पे सूट ही पहनती हूँ। और मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है, लेकिन वही है कि साड़ी पहनने के बाद जो है ना घर के कोई काम नहीं होते हैं। तो जो है ना मैंने निकाली तो बहुत शौक से थी, लेकिन इनको जो है ना मैंने 1-2 बार ही पहना है, तो ये रखी है इस तरीके से। और कभी मन होता है तो मैं पहन लेती हूँ, और जो है ना बस वही है कि ना साड़ी पहनने के बाद घर के काम नहीं होते हैं। और जब सूट पहनने की जो ना आदत पड़ जाए ना, तो फिर साड़ी पहनने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। अच्छी तो लगती है, पर थोड़ा सा जब हम पहनते हैं ना, तो थोड़ी सी जो है ना मुझे फील होता है ना, मुझे जो ना साड़ी पहनने के बाद जैसे बैठना हो, कहीं जाना हो या फिर घूमना हो तो मैं पहन लूँगी, लेकिन वही है कि साड़ी पहनने के बाद कोई काम ना करना हो, तो बस इसीलिए मैं नहीं पहनती हूँ, बहुत कम पहनती हूँ। तो अभी जो है ना कपड़े सारे फोल्ड हो चुके थे, तो मैं ये बिस्तर वगैरह भी झाड़ दूँगी, चादर सही से बिछाऊँगी। और इधर कोने में मेरी सिलाई मशीन रखी है, तो इस पे भी ना थोड़ी सी धूल सी जम गई थी, तो उसको भी मैं झाड़ दूँगी। उसके बाद जो है ना मैं इसको भी ढक दूँगी इसी दुपट्टे से। और उसके बाद जो है ना मुझे कपड़े लेकर नीचे जाने हैं, तो मैं ना किसी की हेल्प लूँगी, जानवी को बुलाऊँगी, क्योंकि जो है ना एक चक्कर में इतने सारे कपड़े नहीं जाएंगे, कम से कम 2-3 चक्कर लगेंगे, तो फिर जो है ना वो आके ले जाएगी। थोड़े से मैं लेके जाऊंगी, जो है ना बाकी उसको मैं भेज दूंगी कि उठा लाए। बार बार जो है ना जीना भी चढ़ने उतरने में ना सांस सी फूलने लगती है। और यहाँ पर मैं अपनी मशीन को थोड़ा सा साफ कर रही थी, सिलाई मशीन पे जो है ना धूल जम गई थी। और मुझे जो है ना सिलाई मशीन के लिए अपनी तेल भी मंगाना है, ख़त्म हो रखा है। और जो है ना आपके कुछ टाइम से मैंने कपड़े भी नहीं सिले हैं, तो जो है ना रखे रखे मशीन भी थोड़ी सी जो है ना जाम सी हो जाती है। तो इसको जो है ना मैंने इस तरीके से ढक दिया था, ताकि इस पे जो है ना धूल वगैरह ना पड़े। और अभी जो है ना मैं यहाँ पे बेडशीट भी बिछा दूँगी झाड़ के, उसके बाद जो है ना इस कमरे में झाड़ू भी लगानी है। और अभी जो है ना कपड़े उतार कर मैं आ गई हूँ नीचे, थोड़े से जो है ना मैंने जानवी से भी मंगाए थे। और उसके बाद जो है ना अभी यहाँ पर मैंने अलमारी खोली, तो उसमें भी जो है ना थोड़े बहुत कपड़े तहस नहस थे, इधर उधर थे, तो
तो जो है ना उसके निकाल कर भी मुझे अलमारी थोड़ी सी साफ़ करनी है, थोड़ी सी झाड़नी है, उसके बाद जो है ना ये कपड़े रखने हैं। तो मैं यहाँ पर जगह कर रही थी कि मैं अलमारी के थोड़े से कपड़े बाहर निकाल दूँ, उसको जो है ना थोड़ा सा साफ़ कर दूँ, और उसके बाद जो है ना ये सारे कपड़े मैं इसमें रख दूँगी। और अभी जो है ना मैंने यहाँ पर सारे कपड़े रख दिए थे, मैं दिखा रही थी आपको, लेकिन जो है ना ये सिर्फ़ मेरी 1-1.5 घंटे की मेहनत थी, और ये जो ना सिर्फ 2-4 दिन ही टिकने वाली है। इस तरीके से जो है ना छोटे छोटे डिब्बे रखे हैं, तो इनमें मैं छोटे कपड़े रख देती हूँ, और बाकी जो है ना मैंने फोल्ड करके बच्चों के अलग अलग रख दिए हैं। तो जो है ना अभी मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड भी करती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।